हमारे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय बलराम यादव बाबा, हमारे सीनियर विधायक आदरणीय आलम मदी बाबा, मंच पर बैठे हुए सभी विधायक, पूर्व विधायक, समाजवादी पार्टी और गठबंधन दलों के सभी नेता और कार्यकर्तागण, यहां इस भीषण गर्मी में इस इलाके की गर्मी को और बढ़ाने आए हुए सभी समाजवादी पार्टी के और घटक दलों के जिम्मेदार सभी कार्यकर्ता और नेतागण, इस कार्यक्रम के सुरक्षा में लगे हुए सभी सुरक्षाकर्मी महोदय, यहां आए हुए सभी मेरे मीडिया के बंधुओं, आप सबको मैं अब्बास बिन मुख्तार अंसारी अपना सलाम पेश करता हूं। आप सब जानते हैं कि ये इस बाई इलेक्शन के चुनाव में जीत और हार होने से सत्ता में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, मगर सत्ता के सीधे सिर पर बैठे हुए घमंडी सरकार के घमंडी नेताओं को इस बात का एहसास जरूर हो जाएगा कि आवाम कल भी उनके खिलाफ थी, आज भी उनके खिलाफ है और आगे आने वाले 24 में भी उनके खिलाफ रहेगी। ये आजमगढ़ की, ये शहीदों की धरती है, ये उलमाओं की धरती है, ये वीरों की धरती है, ये उन लोगों की धरती है जो गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल कायम करती है और अपनी धरती पर कभी भी किसी भी सांप्रदायिक मनोवादी विचारधारा और संविधान के खिलाफ खड़े होने वाले विचारधारा को कभी यहां पर अपने का मौका नहीं दिया। आदरणीय नेताजी को आपने यहां से चुनकर संसद भेजा, नेताजी के परिवार का दूसरा घर इस धरती को माना जाता है और आज अखिलेश भैया ने इस सीट से इस्तीफा सिर्फ आपकी आवाज को सरबुलंद करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुखिया के आमने सामने आंख में आंख मिलाकर आपके सवालों को पूछने के लिए इस्तीफा दे करके, इस लोकसभा क्षेत्र से इस्तीफा दे करके, इस विधानसभा में पहुंचकर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका को बखूबी से निभाते हुए आपकी बातों को उनके सामने रखकर उनसे जवाबदेही करने के लिए गए, तो पीछे से अपने भाई को, अपने हनुमान कहे जाने वाले आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी को अपना यहां समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव चिन्ह देकर के चुनाव लड़ाने भेजा। हमारी डबल जिम्मेदारी है, एक तरफ तो सत्ता के नशे में चूर घमंड में जो बैठे हुए लोग हैं जो आते हैं और उल्टी सीधी बातें करके जाति और मजहब और धर्म के नाम पर आपको बांट कर आपको और ठगने का काम करते हैं, नौजवानों की तरक्की और खुशहाली की बात करने वाले अग्निवीर के नाम पर एक ऐसा ढकोसला जनता के सामने लेके आते हैं कि हमारे नौजवान आक्रोशित हो जाते हैं और आज सड़कों पर उतर के अपने भविष्य को अंधकार में ढकेलने के लिए, मुकदमों में फंसने के लिए आज उनको मजबूरन अपनी बात को मंगवाने के लिए सड़क पर उतरना पड़ता है। याद कीजिए, ये वही सरकार है जिसने आज तक जितने भी फैसले किए हैं वो सारे फैसले खुद के किए हुए, कभी किसी जनता के लोगों से पूछ जाच नहीं की। याद कीजिए वो नोटबंदी का फैसला जिसने इस पूरे देश को एक लंबी कतार में खड़ा कर दिया और हजारों की तादाद में हमारी मां बहने जिस कारण प्रसव पीड़ा में अस्पताल की चौखट पर पैर रगड़ रगड़ के मर गई, हजारों की तादाद में हमारे नौजवान साथियों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। याद कीजिए वो GST का फैसला जिस फैसले से इस देश के व्यापारी का कमर टूट गया और आज तक उस कमर टूटे हुए फैसले से हम उभरने में पीछे ना था। याद कीजिए वो 370 का फैसला जिसने आज भी कश्मीर में आग लगाई हुई है जो आज तक जल रहा है। याद कीजिए CNRP का वो फैसला जिसने जनता ने नकार दिया और लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए। वैसे ही इन्होंने एक और फैसला किया, किसानों के नाम पर बिल लाने का फैसला किया, कहा था किसानों का भला होगा, मगर किसानों को ये बात समझ में आ गई कि किसानों की जमीनों को पूंजीपतियों के हाथ में गिरवी रखने का फैसला था। किसानों ने जब कमर कसी और कमर कस के दिल्ली की तरफ कूच कर दिया तो इस घमंडी सरकार को भी घुटने पर ले आए और घुटने पर लाकर उस कानून को वापस करने पर मजबूर कर दिया। और वैसे ही अभी तो मात्र 3 दिन हुए हैं तो 3 संशोधन आ गया है अग्निवीरों के, 3 दिन में 3 संशोधन, और मुझे लगता है कि इस नौजवान के आक्रोश
को देखने के बाद और आने वाले इस बाई इलेक्शन में आपके दिए हुए वोट के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट इस बात की पहचान होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी फैसले लिए हैं वो फैसले इस देश की जनता के, इस देश के लोकतंत्र के और इस देश के संविधान के खिलाफ लिए। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूंगा। यहां बड़े बाबा हमारे जनाब आजम खान साहब आने वाले हैं। सालों से 28 महीने जेल की सलाखों में उस बुजुर्ग व्यक्ति, इस प्रदेश के सीनियर नेता को रखा गया। कैसे कैसे नी छोटे मुकदमे लगाकर जेल की सलाखों में उनको डाला गया। वो आएंगे आपके बीच में, अपनी बात को, अपने दर्द को, अपने दुख को रखेंगे। इसलिए मैं ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूंगा। कुछ बातें हैं जो आपके बीच में रखना चाहता हूं। आप सब बखूबी जानते हैं, मैंने अपना जो कैंडिडेट दिया उसे आप बखूबी जानते हैं। दूसरा, बहुजन समाज पार्टी ने अपना एक कैंडिडेट दिया है जो मात्र आज से 3 महीना पहले इसी बहुजन समाज पार्टी को गाली देते हुए एमआईएम के सिंबल से चुनाव लड़े थे। आज ये दोनों लोग एक दूसरे के साथ मिलकर के कहां से एक दूसरे को फायदा पहुंचा सके उसकी लड़ाई लड़ना हमको ये समझना होता। हमारे वोट की ताकत को बांटने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने यहां एक माइनॉरिटी का कैंडिडेट दिया, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बैकवर्ड कैंडिडेट दे करके ये मैसेज देने की कोशिश की कि हम तुमको बांट देंगे। मगर वह रहे आजमगढ़ की ऐतिहासिक सरजमी की ये आवाम, इस आवाम ने हमेशा इस बात का एहसास कराया है कि राजनीतिक समझ में हम तुमसे कहीं आगे हैं और हम उसी को चुनते हैं जो हमारी आवाज को सरबुलंद करने की हिम्मत और ताकत रखता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मैं आप लोगों के बीच आप सब बखूबी जानते हैं कि बगल की मऊ की सरजमी मऊ सदर विधानसभा सीट से मैं जीत कराया। आप सब जानते हैं कि मेरे पिता, मेरे वाले जनाब मुख्तार अंसारी साहब के ऊपर लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं हैं, इसलिए इतने सारे मुकदमे और चीजें लगाने के बाद भी बाल भी बाका नहीं कर सकते। हम लोग तो मौत को बरहक मान के चलते हैं। जब लिखी होगी शान से मौत के हाथ कर जाएंगे, मगर मारने वालों के बाद बचाने वाला होता है। और आपकी दुआओं के साये में कल भी उनके सामने खड़े थे, आज भी उनके सामने खड़े हैं, आने वाले कल में भी उनके सामने खड़े होंगे। हम उनको एहसास कराते रहेंगे कि जब जब तुम्हारे जैसे जुल्मी इस देश में पैदा होते रहेंगे, तब तक मुख्तार अंसारी जैसे लोग इस देश में रहेंगे और आपके लिए, आपकी आवाज बनकर आपके लिए लड़ते रहेंगे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, आप सबसे दुआ की दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग दुआ कीजिए और दुआ के साथ साथ अपने वोट की ताकत से हमें इतना मजबूत बनाइए कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे हुए घमंडी व्यक्ति को, घमंडी सोच और विचारधारा के लोगों को उखाड़ कर फेंका जाए और एक ऐसी सरकार बनाई जाए जिसमें नौजवानों के बारे में सोचने की कुवत, जिसमें बड़े बुजुर्गों की हेल्थ के बारे में सोचने की कुवत हो, जिसमें मां बहनों की सतादू के बारे में सोचने की ताकत हो और ऐसे फैसले लेने की ताकत हो जिससे हमारा संविधान और लोकतंत्र दिन ब दिन और मजबूत हो। न कि ऐसे लोग जो इस देश के संविधान और लोकतंत्र को ताक पर रख के मन की बात करते हुए जनता का भला करने का ठकोसला करते हैं, उनको एहसास दिलाने का वक्त आ गया। ये सिर्फ बाई इलेक्शन का चुनाव नहीं है, ये इस बात का चुनाव है कि आपको इनको ये एहसास दिलाना है, इनको ये समझाना है कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, समझ जाओ। नहीं, पास के ही एक देश में जो हाल हो गया है, कहीं वैसे ही हाल इस देश को ना हो जाए। 60% से ज्यादा नौजवानों का ये देश है और कैसे फैसले, ये फैसले जो करते हैं जैसे लगता है कि हमारे देश के ऊपर, हमारे देश के नौजवानों के ऊपर केरोसिन छिड़कने का काम करते हैं। यहां खड़े सुरक्षा कर्मी भाई, इनकी पेंशन की बात करने वाले आदरणीय अखिलेश भैया,
इनकी पेंशन की बात करने वाले, इनकी तरक्की की बात करने वाले, इनकी बेहतरी की बात करने वाले आदरणीय अखिलेश भैया को आपने हाथ से चुनाया था, चुनाव जिताया था। अब धर्मेंद्र भैया आपके बीच में आए, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर न करते हुए आपसे फिर एक बार वोट की अपील करते हुए, समाजवादी पार्टी को बम पर वोटों से जिताते हुए भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में